नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, करीब 12-15 दिन। 29 दिसंबर के दिन हमारी नानी डेथ कर गई थी, जिसकी वजह से हम इधर वीडियो वगैरह नहीं बना रहे थे। बाल मुड़ाने से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग के यहाँ जो है नानी का भी छुटका पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। अब फार्म के अपडेट में ये अपडेट है कि हमारी 3 गाय को जो है हम लोगों ने GPG प्रोटोकॉल किया है इधर। वो हमारी 3 गाय हैं, 1 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, तीनों में डेनमार्क 40116 का नॉर्मल सीमन लगा है। अच्छा, 6 सीमन जो है जो डेनमार्क का लगा है आया है, उसमें हमने अभी 26 नंबर को अपने जो है डेनमार्क 40116 का ही 6 सीमन लगाया है। हेलो, तो एक तो हम लोग इधर थे नहीं और आए भी हैं, तो कल ही आए हैं, आज पहला वीडियो डाल रहे हैं इस वजह से। बाकी फार्म की यही स्थिति है। एक और गाय हमारी फैजाबाद वाली डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई है, तो उसका अभी हम लोग इलाज कर रहे हैं। उसको जो है डेक्सट्रोज पानी, उसके अलावा डेक्से मिथासोन, साथ में टोनोफॉस्फेन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक ह्यूमन के लिए दवा आती है टीरोमेसोल एच करके, हाइड्रो को वाला माइन है वो अभी चल रहा है। 2.5 लीटर सुबह में डेक्सट्रोज चलता है, 2.5 लीटर शाम को डेक्सट्रोज चलता है। 2 मिनट की इसको हटा लूँगा। अच्छा, ये तो ये बाकी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो 4 गाय और कंफर्म हुई है उस समय के बाद। अभी अपनी 16 नंबर कंफर्म हो गई, 34 नंबर कंफर्म हो गई, उसके बाद 11 नंबर जो है सेक्सुअल सीमन से प्रेग्नेंट है। बायफ का एक साहिवाल का बुल है जिसका नाम कयामत है, तो बायफ के कयामत बुल से जो है वो गाभिन है। 8 नंबर भी हमारी गाभिन है और 8 नंबर जो है वो गाभिन है, हमको लगता है ये बायफ के ही कुलदेव करके एक सीमन आता है उससे। उसके बाद अभी 33 नंबर को भी 28-30 दिन हो रहा है। कुछ गाय इधर में भी जैसे 36 नंबर है, ये एबीएस अर्माडा नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट है। 9 नंबर, 22 नंबर दो गाय है अपनी जो एबीएस के अर्माडा के ही 6 सीमन से प्रेग्नेंट है। उसके बाद हमारी 3 नंबर रिपीट कर गई है, तो 3 नंबर को अभी हम लोग दोबारा से अब GPG प्रोटोकॉल के थ्रू उसको करेंगे, सीमन डालेंगे। 12 नंबर फिर से एबीएस जिग से ही प्रेग्नेंट है, तो अपने पास जिग का एक बच्चा रिजल्ट आया हुआ है और जिग्स के ही 6 सीमन से दोबारा ये प्रेग्नेंट है। इसके बाद अपने पास अभी बाकी ये 7 गाय हैं जो कि इस समय फिर जो है फरवरी मंथ में हम लोग प्रेग्नेंट करेंगे। हम लोग दाना चेंज करने जा रहे हैं, दाना चेंज इस तरीके से करने जा रहे हैं कि अब हम लोग जो है एक माँ डेयरी फार्म करके फार्म है बाराबंकी में, उनके यहाँ फीड फॉर्मुलेशन से फीड बनता है। हालांकि फीड फॉर्मुलेशन हमारे पास भी कारगिल के एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनसे हमने अपना फीड फॉर्मुलेशन लिया है यहाँ के लिए। फीड फॉर्मुलेशन आ गया है लेकिन उसके लिए मशीन और वगैरह चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि अभी अपने पास हमने मशीन खरीद नहीं रखा, इसलिए हमने अपने से फीड मिक्स करने से बेहतर समझा कि वहाँ से ही फीड जो है मंगा लिया जाए। और फीड वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है लेकिन क्वालिटी है, तो क्वालिटी का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, आप जाके आँख के सामने अपने बनवा करके लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी फीड के अलावा जो है आपका कोई और चेंजेस नहीं है। साइलेज थोड़ा कम कर दिए, हरा चारा की मात्रा अभी बढ़ी हुई है, मक्खन ग्रास और बसीम दोनों चल रहा है। और 1 फरवरी 2 फरवरी के बाद हम लोग शुगर ग्रेज लगाएंगे,
जो अगल बगल का छोटा छोटा प्लॉट है अपना, उसमें शुगर ग्रेज लगा दिया जाएगा। जो शुगर ग्रेज हम लोग को अप्रैल फर्स्ट वीक में मिलने लगेगा। और इसके अलावा जो है मक्का हम लोग अपना 10 एकड़ के करीब अपना मक्का लगाएंगे, और बाकी जो है 10 एकड़ और परचेज करेंगे। इस बार हम लोग कम से कम 2 पीट भर के साइलेज बनाएंगे, ताकि 12 महीना हम लोग के पास साइलेज रहे। साइलेज हम लोग के पास घट जा रहा है, रीज़न बीइंग कि हम लोग साइलेज बनवा नहीं सही से पा रहे हैं। इस बार हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से बनाएंगे और ज़्यादा बेहतर साइलेज बनाने का कोशिश करेंगे कि इस बार ज़्यादा आराम से बढ़िया साइलेज बना सके। उसके बाद मार्च के महीने में इसका रिपेयर कराना पड़ेगा। ये 3-4 हमारी जो हैं गायें जो हैं डंडों को तोड़ दी हैं, इनको हम लोग रिपेयर कराएंगे। कुछ इधर भी टूटा हुआ था, तो खैर इधर तो हमने सारा बनवा लिया है, इधर का ही 2-3-4 टूटा है उसको हम लोग बनवाएंगे। और उसके बाद जो है 2 इंडस्ट्रियल फैन जो आता है वो इंडस्ट्रियल फैन यहाँ लगेगा। तो यही अभी प्रोग्राम है अपना, और इसी प्रोग्राम के तहत अभी हम लोग को चलना है। और कुछ पंखा जो है, ये वाला जो छोटा वाला पंखा है, इसको भी सर्विस करवा करके लगवा दिया जाएगा, ताकि जाड़े भर चल सके। 2 इधर 3 इधर लगाना है, 4 पंखा ऐसा और आएगा एल्डोराडो का। तो उसके बाद हम लोगों को नहीं लगता है कि ज़्यादा पंखों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही था छोटा सा वीडियो अपने यहाँ का अपडेट। काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं आया है। रेप्रोमिन भी हम लोग चला रहे हैं, इधर कुछ गायों को रेप्रोमिन चल रहा है जो नई जितनी भी है। और रेप्रोमिन के अलावा जो है बाकी कुछ नहीं, चिलेटेड अपना एग्रीमिन फोर्ट चल रहा है। अपना बाकी राब वाब भी हम लोग काफ़ी बना लिए थे, अभी भी अपने पास राब है। ये पूरा ड्राम भरा हुआ है राब से, इसमें भी राब है, नहीं ये खाली है। नहीं, उसमें है, यहाँ पे राब पड़ा हुआ है इन 2 डब्बों में। तो अभी इस महीने भर का राब है, फिर हम लोग जनवरी में जो है एक बार फिर 5-6 हज़ार का गुड़ खरीदेंगे और राब बनाएंगे। तो यही है, बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। धन्यवाद।